दादी ब्रो, तूने जो गलती की है उसकी सजा अभी बाकी है। दादी ब्रो, बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप सजा डिनर के बाद दे दीजिए प्लीज। और तेरी सजा ये है कि अगले 24 घंटों तक तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई राहुल? चलो माफी मांगो अपनी दादी से। दादी ब्रो, I'm so sorry। बड़े दादू ने तुझे मेहमान का दर्जा देकर मेरी मार से तो बचा लिया, लेकिन जानकी अपने नियम नहीं बदलती है। गलती की माफी नहीं सजा मिलती है, अगर माफी दे दो तो गलती आदत बन जाती है। माँ आपकी बात सही है, लेकिन खाने से मना कर देना। सजा हम सुना चुके हैं, और अगर किसी ने भी राहुल को खाना खिलाने की कोशिश की तो उससे तो हम अलग से निपट लेंगे। तो ये तय रहा, अगले 24 घंटों तक राहुल बिना कुछ खाए घर की छत पर रहेगा। अन्न छोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सभा समाप्त। नहीं नहीं नहीं, मरवाएगी तू, दादी माँ के फरमान के खिलाफ है। राहुल भाई को खाना देने मैं नहीं जा सकता। कोलू प्लीज जाना, कितनी भूख लगी होगी राहुल भैया को। पकड़ा गया ना तो राहुल भैया तो मेहमान के नाम पे बच गए। मैं इसी घर का हूँ, खालू घेर देंगी मेरी वो, मेरे बस का नहीं है। रोहित ये तो नहीं मान रहा है, तुम चले जाओ ना प्लीज। अब मैं नहीं जाना तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अगर दादी को पता चल गया ना मुझे मार्स पे भेज देंगी। वो पानी भी नहीं मिला अब तक, मर जाऊंगा मैं, बहुत रिस्क है। मिनी, राहुल भैया के साथ हमारी सहानुभूति है, मगर आज उन्हें भूखा ही सोना होगा। राहुल को भूखा रखकर खुद भी भूखी हो। लो खाना खा लो, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़े हमारे दुश्मन की, सिर के बाल से पैर के नख तक में कोई बीमारी नहीं है। जब उसे भूखा देख नहीं सकती तो फिर उसे सजा क्यों दी? हाँ राहुल तो सूद है ना, जो तुम्हें मूल से ज्यादा प्यारा है, उसे सजा देकर खुद भी सजा काट रही हूं। दादी की ममता और नियम से घर चलाने की क्षमता, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना हमारा फर्ज है। हम भी भूख सह रहे, राहुल को भी भूख सहनी पड़ेगी। राहुल को खाना नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं खाएंगे, कम से कम मन को संतुष्ट तो रहेगा। ऐसे राहुल के लिए तुम चोरी से खाना ले जा रहे हो तो जानकी माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं वो राहुल की सजा दुगनी ना करते। विजय देखो, तन्वी कुछ नहीं होगा, इतना मत डरो। मैं पहली बार मेहंदी वाले घर से खाना नहीं चुरा रहा हूं। बहुत साल पहले जानकी माँ ने ऐसी सजा मनोज को भी दी थी। ये ले, बड़ी टिन सब्जी बनी है, सफा चट कर ले। विजू, जानकी माँ ने मुझे सजा दी है, 24 घंटे तक कोई मुझे खाना नहीं दे सकता। अरे लेकिन भूख तो लगी होगी ना तुझे? हाँ बहुत जोरों से लगी है, इसीलिए तो छुपा के दे रहा हूँ, चटका ले फटाफट, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विजू,
रसोई में क्या कर रहा है? कुछ चाहिए था क्या? वो माँ बहुत गला सूख रहा था तो वो पानी पीने आ गया। पी लिया? जी पी लिया। तो चलो। मैं तब भी नहीं पकड़ा गया था और आज भी नहीं पकड़ा जाऊंगा, सो जस्ट रिलैक्स। ओके राहुल के लाने जो थाली ले जा रहा था ना, तू पता है ना भाभी माँ ने जो करने से मना किया था। चाचा जी आपको वो गलतफहमी हो रही है, वो दरअसल ये अरे जो मैं भेजू, तू यहाँ पापा से बातें करने में लगा हुआ है, भूख से मेरी जान निकली जा रही है, ला दे थाली। जे तेरे लाने थाली लेके जा रहा था? हाँ पापा, और किसके लिए खाना लेकर जाएगा ये? एक्चुअली आज खाना बहुत टेस्टी बना था तो मुझे दोबारा भूख लग गई, और फिर विजू किचन में जा रहा था तो मैंने बोला कि मेरे लिए एक थाल लगा दे, है ना विजू? हाँ चाचा जी बिल्कुल, आप तो जानते ही है कितना भुक्कड़ है ये, तो इसी के लिए थाली ले जा रहा था मैं। हाँ हूँ हक से हूँ। रुको, जी इतनी तो तेज भूख लगी है ना, देखो हमारी आंखों के सामने। अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था और अब फिर से खाना पड़ेगा। गुड फूड, बैड फूड, एनी फूड, अरे फूड दे दो यार। शेम ऑन यू, भूखे इंसान का खून चूस रहे हो। नीचे जाओ ना, पूरा परिवार पराठे खा खा कर बैठा है, उनका जाकर खून चूसो ना। पानी से पेट भरना पड़ेगा आज। पेट तो भरा नहीं होगा अभी तक, और ले आऊं? खत्म करो। खा ही रहा हूं पापा, आराम से खाना खाना चाहिए ना, इट इज गुड फॉर हेल्थ। आया बड़ा डॉक्टर के औलाद। लास्ट बाइट, बहुत अच्छा खाना, वेरी नाइस। ये कुर्ता कैसा रहेगा? अरे ये क्या कुर्ता कुर्ता लगा रखा है, तुम्हें कपड़ों की चिंता है, मिनी की शादी की कोई चिंता नहीं? ये परिवार हमारी खुशियों का दुश्मन हुआ पड़ा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मिनी की सगाई को बचाने के लिए सब आज कैसे एक हो गए थे, आपने देखा था ना? ये नौबत भी तो उस लंदन वाले पैदल दीपा की वजह से आई है, तो भगवान ने बचा लिया, वरना मनीषा जैसा हाल हमारी मिनी का भी। मिनी की शादी हमारे परिवार पे लगे 24 साल के कलंक को मिटा सकती है, अगर ये बात इन बाहर वालों को समझ आए तब तो। इनके लिए तो शादी बस हंसी मजाक गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम है, और वो लंदन वाला गलती करके भी ढीठ की तरह अपने आप को सही बोल रहा था, अभी तो पूरी शादी बाकी है, पता नहीं और क्या क्या करेंगे ये लोग। आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ मौली है ना, आज जैसे उसने सब कुछ संभाल लिया था आगे भी वैसे ही संभाल लेगी वो। अरे जिस लड़की से अपना पति नहीं संभाला गया वो हमारी बेटी की शादी कैसे संभालेगी? इतना भी भरोसा मत करो मौली पे। क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ, और वो मानस सिर्फ घर की चौखट छूने आया था, अगर इतना ही बहन मानता मिनी को तो कम से कम शगुन तो दे के जाता। मैं उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ, ये बॉम्बे लंदन जबलपुर वाले ये सब सिर्फ दिखावा करने आए हैं। रही बात उस मौली की तो देखना, एक बार मनु भैया को बस जान की माँ से माफी मिल जाए फिर यही मौली कैसे गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है।
मुझे मौली के अंदर खोट नहीं, सच्चाई दिखती है। चांद ब्रो, तुम्हें तो ऊपर से सब कुछ दिखता है, तो तुम मुझे पहले एक बात बताओ कि ये मेरी दादी ब्रो जो है वो हमेशा एंग्री मोड ऑन करके क्यों घूमती फिरती रहती है? आई मीन ग्रैंडसन हूं उनका, और ये दादी लोग अपने पोते से तो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तो मेरी वाली ने मेरी परेड निकाल कर क्यों रखा है? जानकी मां तुमसे इतना प्यार करती है ना राहुल, जिसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। तुम यहां, ये खाना मेरे लिए? नहीं, तुम दादी ब्रो के रूल्स मत तोड़ो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहां इस तरह आई हो तो देखो मनोज चाचू को माफी नहीं दिला पाओगी तुम। उन्होंने तुम्हें यहां आते हुए देखा तो नहीं? वो अपने रूम में होंगी। तो फिर तुम रिस्क क्यों लिया? क्योंकि मैं एक भाई को ऐसे भूखा सोता हुआ नहीं देख सकती, स्पेशली उसे जिसने अपनी बहन की हेल्प करने के लिए खुद को पनिश किया। तुम्हारे इस डेयरिंग मिशन के बारे में और किसी को तो नहीं पता ना? पापा को। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ के आई हूँ मैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि जा, राहुल के लिए खाना लेकर जा। थैंक यू सो मच मिस हायतोबा। थैंक यू राहुल, मिनी की इतनी हेल्प कर रहे हो तुम। तुम्हें मिनी की परवाह है पर अपनी नहीं मौली। क्यों घूम रही हो इस झूठी शादी का लेबल लगा के, क्यों घूम रही हो? क्या सोच रहे हो, खाना खाओ, भूख तो लगी है ना? हाँ लगी है, बिल्कुल लगी है, बस ये करेले की सब्जी देखकर सोच रहा हूँ खाऊं या नहीं खाऊं। और डाइनिंग टेबल पे तो सबके लिए कितना औसम खाना था। वो तो है, सब्जी थोड़ी काम चला हुए, बट क्या करूं, जल्दबाजी में किचन से यही उठा पाई। बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो मैं लेकर जाती हूं। नहीं 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 नहीं, भूख तो लगी है ना? अरे ये तो फिर भी पका हुआ है, अगर कच्चा करेला होता ना तो भी खा लेता मैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स राहुल। अरे थैंक यू, तुम क्यों बोल रही हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए खाने के लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने सारा ब्लेम खुद पर लेकर मिनी को बचा लिया। वैसे एक बात तो क्लियर है, हम मिनी की शादी को नहीं होने दे सकते। पर ये शादी की नॉनसेंस को रोकेंगे कैसे? यहाँ पूरा दिन फैमिली विक्की जी करते थकती नहीं है, और मिनी ने खुद बोला है कि ये शादी को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शादी तोड़ने का एक ही रास्ता है, हमें पूरे फैमिली को सच बताना होगा राहुल। आई नो विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें उन्हें विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। आइडिया अच्छा है मॉडिंग, पर ये काम तुम नहीं करोगे। अरे मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हुई तो तुम्हें मनीषा बुआ की शर्त याद है, शादी कैंसिल तो माफी भी कैंसिल। मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू राहुल, पर मिनी से मेरा भी तो रिश्ता है ना, उसके साथ भी तो सही नहीं हो रहा और मैं गलत नहीं होने दे सकती। हाँ? इसलिए इस मिशन शादी कैंसिल में हम दोनों साथ होंगे। डॉक्टर है तू, पता तो होगा ही, ये गोली खा ले, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट भी सही रहेगा। थैंक्स विजू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत तो मुझे भी नहीं थी तेरे हेल्प की, तो बीच में क्यों आया? अरे पापा ने पकड़ लिया था तुझे, मैं नहीं आता तो क्या करता? कि थाली कहाँ लेकर जा रहा था? कह देता राहुल के पास ले जा रहा हूं। मैं तेरी तरह चोरी छुपे काम करने वाला इंसान नहीं हूं, ना ही मुझे तेरे फेवर की जरूरत है। आगे से अपनी हेल्प अपने पास ही रखना।
वैसे मौली, तुम मानस के फादर को माफी दिलाने के लिए मुंबई से उज्जैन तक लेकर आ गई, डेली नए स्ट्रगल से डील कर रही हो। आज तक मानस ने तुम्हें कहा नहीं कि ही इज सो प्राउड ऑफ यू। आई एम श्योर मानस भी तुम्हारी उतनी ही केयर करता होगा जितनी तुम उसकी फैमिली की करती हो। हाँ हाँ, मेरा और मानस का बहुत खास रिश्ता है और वो मेरा ही नहीं पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। और आज जब आए थे तो ही वॉज लाइक कि सॉरी मौली, जाना तो नहीं चाहता पर ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा, रुकना चाहते थे पर जाना पड़ा। मिस कर रही हो मानस को? याद आ रही है अपने लविंग और केयरिंग हस्बैंड की? डिनर के लिए थैंक यू मौली एंड गुड नाइट। गुड नाइट। मानस के बारे में तुमसे डायरेक्टली पूछ भी सकता था पर मैं तुम्हें ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था। ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि तुम कंफर्टेबल होगी तो शायद खुद बता दोगी, पर तुमने नहीं बताया। पता नहीं क्यों ये सच को हाइड कर रही हो। बस कल मिनी का ये रिश्ता टूट जाए, उसके बाद मैं पापा जी को अपनी और मानस की सच्चाई बता दूंगी। इतने बड़े परिवार में राहुल के लिए खाना बस एक मौली लेकर जा पाई, क्योंकि उसे परिवार और उसके लोगों का ख्याल रखना आता है। बस मानस को मौली की ये वैल्यू समझ में आ जाए तो फिर आज जैसे मिलने आया था कल को साथ रहने भी आ जाएगा। तन्वी, वो वैभव ने गुस्से में आके विजू भैया को उल्टा सीधा कह दिया। दिल का बहुत साफ है, बस गुस्सा जल्दी आ जाता है उसे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती। कोई बात नहीं जीजी, गुस्से में निकल गया होगा। जरा सोचें, अगर राहुल और वैभव साथ में रहते तो उनका रिश्ता भी मनोज भैया और इनके जैसा होता। आप दोनों मुझे देखकर ऐसे साइलेंट मूड क्यों ऑन कर लेती हैं? प्लीज कंटिन्यू, मुझे आप दोनों की गॉसिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाय। थैंक्स ज्योति। भाभी ये लीजिए आपकी स्पेशल वाली ग्रीन टी। थैंक यू सो मच ज्योति, तुमने क्यों बनाया? मैं खुद बना लेती। तो क्या हुआ भाभी, मैं सबके लिए चाय बना ही रही थी तो दूसरे चूल्हे में पानी गरम कर दिया और इसमें तो कुछ डालना भी नहीं पड़ता, झटपट बन गया। So sweet of you, Shruti. तुम सच में दूसरों के बारे में सोचती हो। दूसरों का कहां भाभी, सब अपने तो है। ये सेकंड जनरेशन वाले नॉइस कैंसिलेशन फीचर ना? हाँ। वाओ, इसमें तो बाहर का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कुछ नहीं सुनाई देता होगा। कुछ नहीं सुनाई देता है ब्रो। मंदिर में जैसे फूल इकट्ठे होते हैं वैसे ही आज पूरा परिवार राम दरबार में इकट्ठा हुआ है, पर आज मौली जो करने वाली है ये फूल
खिलने से पहले ही कहीं मुरझा ना जाए। दादी ब्रो, कल के लिए सॉरी दादी ब्रो। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें माफी मांगने की अकल और शर्म तो आई। दादी ब्रो, मैं आपसे सॉरी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने जूस में अल्कोहल मिलाया था। मैं आपसे सॉरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं कल ही आपको सब सच बता देना चाहता था, पर मैं बता नहीं पाया। तुम्हारी बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ रही राहुल बेटा, या तो बोलो मत, और अगर बोलो तो सब खुल के बोलो। बड़े दादू, मैं बताती हूं। फिर से कोई टेंशन होने वाली है। हाँ, मेहंदी वाले घर में फिर से विश्व युद्ध होने वाला है। राहुल ने कल सुप्रभा आंटी को शराब जान पूछ के पिलाए थे। ताकि 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 क्या आगे बोलने के लिए कोई मुहूर्त निकालोगी क्या? वो राहुल ने सुप्रभा आंटी को शराब इसलिए पिलाई थी ताकि ताकि मिनी की शादी टूट जाए। उसे बात तो पूरी कर लेने दो। बोलो। चाचू, राहुल ने जो भी किया, जो भी करना चाहता है, मिनी के अच्छे के लिए करना चाहता है चाचू। I'm so sorry, पर ये रिश्ता मिनी के शादी का रिश्ता नहीं, इसके बर्बादी का रिश्ता है। मुझे तो पहले ही लगा था कि राहुल बिना किसी वजह ये काम नहीं करेगा। देखा तुमने तन्वी, बात तो कुछ और ही निकली। अरे बंद करो अपना ये राग झंझोटी। राहुल एंड मौली, तुम दोनों होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मेरी बेटी के लिए कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा गलत? बाप हूं मैं इसका, तुम्हें क्या लगता है अपनी बेटी को गलत जगह पे आके जिंदगी खराब कर दूंगा मैं इसकी? मिनी, चाचू, I'm so sorry, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको तो नहीं पता है ना कि विक्की मिनी के लिए अच्छा लड़का नहीं है, तो आपकी भी गलती तो नहीं हुई ना। विक्की जितना शरीफ बनता है ना, उससे कहीं ज्यादा खराब इंसान है। आप सब मिनी से इतना प्यार करते हैं, तो आप सबको ये बात पता होना बहुत जरूरी है। अगर मिनी की शादी विक्की से हो गई तो आज तो खुशी मना लेंगे आप लोग, पर उसके बाद जिंदगी भर का अफसोस करेंगे। मौली, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोलती जा रही हो? इस घर में पहले भी एक शादी टूट चुकी है, जिसके सदमे से आज तक ना मैं ना मेरे घर वाले बाहर निकल पाए हैं। पिछली बार शादी तुम्हारे पापा की वजह से टूटी थी, और इस बार तुम आ गई दूसरी शादी तुड़वाने के लिए। तुम्हें पता है ना, अगर इस बार शादी टूटी तो हमारा जो होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारे लिए भी सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मैं जानती हूँ बुआ जी कि अगर ये शादी टूटी तो आप पापा को माफ नहीं करेंगी, लेकिन पापा के रिश्ते बचाने के लिए मैं मिनी की लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकती। मैं मौली के साथ हूं और मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर मौली इतनी बड़ी बात कह रही है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। जो भी वजह है मौली, सबको खुलकर बताओ। उस दिन मिनी बहुत डर गई थी, वो आप सबको बताना चाहती थी लेकिन उसे लगा कि आप लोग उल्टा उसे ही डांटेंगे, इसलिए वो चुप रही। बंद करो ये बकवास, ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक बार पहले भी आई थी मिनी मेरे पास रुकी की ये सारी बातें कहने, मगर मैं ये बातें बिल्कुल नहीं मानता। झूठी कहानियां बना रही है ये, इसका अपना कोई फितूर है। विकी ऐसा लड़का नहीं है, उसने नहीं दिए मिनी को ये चोट के निशान। मैं मान ही नहीं सकता, बहुत अच्छा नेक और सभ्य लड़का है विकी। जानकी माँ ने खुद पसंद किया है विकी को मिनी के लिए। जरूरी नहीं है कि बड़ों का हर डिसीजन सही हो। अरे आप लोग भी तो मिले हो विकी और उसकी माँ दोनों से, आप लोगों ने देखा है कितना शरीफ इज्जतदार खानदान है। सारे शहर में तूती बोलती है उनकी, मगर इस बात का विकी बाबू को जरा भी घमंड नहीं है। अरे सबसे कितनी इज्जत से पेश आते हैं। विकी से मिलकर क्या किसी को भी ऐसा लगा कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? यही तो प्रॉब्लम है चाचू, हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। विकी हम सबके सामने सभ्य इंसान बनता है, पर अकेले में मिनी के सामने वो हैवान से भी बदतर है। शादी से पहले ये हाल है तो सोचिए ना कि शादी के बाद मिनी का क्या होगा। अरे शादी मिनी की हो रही है, एक बार उससे भी तो पूछ लो वो शादी करना भी चाहती है कि नहीं। आप तो बीच में बोलिए मत। अरे राय वो दे जिन्होंने पिछले 24 साल में परिवार का एक बार भी हाल पूछा हो। और मौली तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह पेश आओ। मिनी की शादी हम परिवार वालों का आपस का मामला है, हम लोग मिलकर देख लेंगे। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की या टीका टिप्पणी करके नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है। वाह अक्कू वाह, तुम्हें अपने बड़ों पर इतना मान है कि उनके तय किए रिश्ते को तुमने अपनी आखिरी मोहर लगा दी और अब उन्हीं के सामने तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। हाँ आप ही बताइए बड़े पापा, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो कुछ करेंगे हम बड़े करेंगे। हम सब अंत में मिनी का भला ही चाहते हैं, हम जो भी फैसला लेंगे मिनी के हित में ही लेंगे। बिल्कुल, भाभी माँ आप इन बच्चों की बातों मत आइए। अरे एक बार ये रिश्ता टूट गया तो कौन करेगा हमारी मिनी से शादी? अब भाभी माँ घर परिवार की इज्जत भी तो कोई चीज होती है। नन्हे इस वक्त मिनी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। पर भैया हम सीधा जाके विक्की के घर वालों से भी तो बात कर सकते हैं ना, सच्चाई का पता चल जाएगा। आजू दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकू तू फिक्र मत कर, हम हैं तेरे साथ, हम सब चलकर बात करते हैं उनसे। आप लोग बात करने नहीं, बात खत्म करने जाएंगे। एक बार पहले भी मनीषा की शादी तोड़ के भाग गए थे आप लोग, अगर इस बार मिनी की शादी टूटी तो फिर से पीठ दिखा के भाग जाएंगे आप लोग। लानत ताने बदनामी ये सब मुझे झेलनी होगी। अक्कू
अक्कू का दर्द और उलझन हम समझते हैं। लड़की का रिश्ता टूटना माँ बाप और परिवार के लिए कितना बड़ा बोझ होता है, कोई हमसे पूछे। ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का बोझ सीने पर आ गया है, सांस नहीं आती। और जानते बूझते हुए भी मिनी को नरक में नहीं धकेल सकते, तो ये रिश्ता तोड़ने की सोचे भी उससे पहले हमें विक्की के खिलाफ सबूत चाहिए। जो इल्जाम तुम विक्की पर लगा रही हो ना, उसे साबित करके दिखाओ। पर जानकी माँ, मिनी ने तो खुद कहा ना कि विक्की ने उसके साथ गलत किया है और उसके हाथ में वो चोट के भी निशान है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मिनी बच्ची है मौली, पर हम बचपना नहीं कर सकते। मिनी के हाथ पर चोट के निशान देखकर हमें भी दुख हुआ है, और अगर सच में विक्की ने ये निशान दिए हैं तो हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर हम ये चाहते हैं कि रिश्ता टूटने पर बदनामी मिनी की, अक्षय की और इस परिवार को ना उठानी पड़े, तो उसके लिए हमें समाज में ये साबित करना होगा कि खोट विक्की में है। क्योंकि इल्जाम तुमने लगाया है तो विक्की के खिलाफ सबूत भी तुम ही लेकर आओगे। सबूत लेकर आओ, जल्द से जल्द, उसके बाद हमसे बात करना। जो समय रहते मौली और राहुल विक्की के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाए तो मिनी को शादी या कहे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरा सुनेंगे आप सब? सालगिरह के तीसरे वर्ष पति द्वारा महीनों तक प्रताड़ित होने के बाद महिला ने कर ली आत्महत्या। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड के परिवार के गुस्सैल मालिक ने गुस्से में आकर की अपनी पत्नी की हत्या। भारत में 40% महिलाएं रोज होती हैं घरेलू हिंसा की शिकार, पर इनमें से सिर्फ 8% केसेस के ही FIR होती हैं। आई होप कल को ऐसी न्यूज हमारी मिनी के लिए ना आए। शुभ शुभ बोल मौली। चाची, शुभ सोचने के साथ साथ सही करना भी जरूरी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। समाज के बारे में सोच के हम मिनी की लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकते ना चाची। मैं कर लूंगी। रूम में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, करने दीजिए ना मम्मी। ये ले ज्योति। हाँ। कुछ नहीं हुआ मम्मी, छोड़िए। छुपा मत, दिखा मुझे। तो चाहे कितना भी छुपा ले, माँ को अपने बच्चों के दर्द का पता चल ही जाता है। आप लोग बातों को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जब पता है कि विक्की अब्यूसिव है, एंगर इश्यूज है विक्की में, मिनी पर हाथ उठाता है, तो ये रिश्ता तोड़ दीजिए ना। भाभी, ये मुंबई नहीं है, छोटा शहर, ऊपर से हम लड़की वाले, अगर शादी तोड़ेंगे तो सारा इल्जाम मिनी पे और हम पे आएगा।
इसलिए जिंदगी में सिर्फ रिश्ते तोड़वाए हो, उसके लिए कहना आसान है, वरना क्या मुझे गुस्सा नहीं आ रहा? मन तो करता कि दो चार लोगों को भिजवा के पिटवा दूं विक्की को। जो हम कह रहे हैं, हम सीधा जाके कान के नीचे लगाते हैं तो बताएंगे धोबी पछाड़, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। सही कह रहा बच्चों दादा, चलो चलते उसके घर, चल के उसको घेरते। चलो रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा लड़ने के लिए। अरे हमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना है, नहीं समझ आता? गलती तो हमारी तरफ से भी हुई है, गुप्ता जी ने रिश्ते की जरा सी सिफारिश करी तो आप देखा ना ताव, बिना जांच पड़ताल किए शादी के लिए हाँ कर दी। जानकी माँ, हमें क्या नहीं पता लड़के वालों के बारे में? बीच शहर में उनका अपना घर है, पिता सरकारी बाबू है, पास पड़ोस वाले कहते हैं कितना संस्कारी खानदान है, और क्या जानना है आपको लड़के वालों के बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी हम सब लोगों ने मिलकर बना दी है। अरे विक्की मिन्नी का पति बनने वाला है, आ गया होगा उसे थोड़ा बहुत गुस्सा, दोनों में होगी होगी अनबन थोड़ी बहुत। वाह, तो गुस्सा आएगा तो वो अपनी वाइफ को पीटेगा? तो मिनी को भी कह देते हैं कि मिनी जब तुम्हें विक्की पे गुस्सा है ना, तुम भी उसे पीट देना, सर फोड़ दो एक दूसरे का, लड़ो। राहुल, मिनी ना लड़की है और विक्की मर्द है, और मर्दों को आ जाता है थोड़ा बहुत गुस्सा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो मर्द होने का मतलब ये है कि अगर आपको गुस्सा है तो आपको अपनी वाइफ पे हाथ उठाने का लाइसेंस है? कब पास हुआ ये लॉ? मेरे हिसाब से किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाना अलाउड नहीं होना चाहिए। ये भारत है, यहाँ चाहिए और है में बहुत अंतर होता है मिस्टर लंडन। I really don't care, वैभव। ये रिश्ता वैसे ही मिनी के लायक है नहीं, 10 गुना बेटर रिश्ते आएंगे उसके लिए। अच्छा कौन लाएगा? तू लाएगा? नहीं ना, तू तो भाग जाएगा पहली फुर्सत में लंडन। तू शायद भूल गए हो कि जबलपुर से तुम आए हो। बस हो गई बहस, गुस्सा ठंडा हो जाए तो जाकर विक्की के बारे में जांच पड़ताल करो। डर मत मिली, फोन उठा और स्पीकर पे डाल। हेलो। हेलो मिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लो बाबू खाओ, चबा चबा कर खाना है बेटा। हाँ बोलिए। कल से शिवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है, और तुम तो जानती हो ना कि हमारे उज्जैन में शिवरात्रि किस स्तर पर मनाई जाती है। हमारे घर की बहू बेटियां व्रत रखती हैं। मम्मी चाहती है तुम भी व्रत रखो। 9 दिन को? 9 दिन होते व्रत के, अन्न का एक दाना भी नहीं खाना तुम्हें उस 9 दिन में, भगवान की कसम है तुम्हें, कुछ भी नहीं खाओगे तुम, समझी? हाँ, ठीक है। कल मैं और माँ आ रहे तुम्हारे घर पे पूजा के लिए। मेरी बेटी एक दिन खाना नहीं खाती तो तबीयत खराब हो जाती है इसकी, 9 दिन की व्रत कैसे रखेगी? चाची मिल गया। क्या मिल गया? विक्की को रंगे हाथ पकड़ने का आइडिया मिल गया। मैं निकालूंगा उसका सच सामने, आज उस विक्की का मुंह ही तोड़ दूंगा। भाई मेरे को जाने दो, एक मिनट, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। बात सुन, एक मिनट भी बात सुन लेगा प्लीज, एक मिनट। What an idea, bro जी। विक्की की बना दो बत्ती। Nice। के साथ साथ पेट में भी दर्द शुरू हो गया। ये दवाई लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। अरे दवाई नहीं चाहिए मुझे, टेंशन के मारे दर्द हो रहा है। ये बिन बुलाए लोग मेरी बेटी का रिश्ता ना तोड़वा दे, और सबकी नेता वो मौली,
उसने तो नाक में दम कर रखा है। पर मौली जो कुछ भी कर रही है वो अपनी मिनी की भलाई के लिए कर रही है। बाकी सबकी तरह तुम मौली के नाम की माला जपना बंद करो। और तुमसे एक बात साफ कह देता हूँ, मौली जो कुछ भी करने जा रही है तुम उसमें उसका साथ नहीं दोगी। अरे मैं दुश्मन नहीं हूं मिनी का, बाप हूं मैं उसका, उसका बुरा नहीं चाहता मैं। टीम तो हमने बना ली पर कैप्टन मौली प्लान है क्या? प्लान बहुत सिंपल है। कल से मिनी का व्रत शुरू हो रहा है और कल ही विकी और उसकी मॉम घर पे आने वाले हैं। बस हमें कैसे भी करके विकी को ये विश्वास दिलाना है कि मिनी ने अपना व्रत तोड़ दिया। नहीं भाभी, अगर विकी को पता चला कि मैंने उसकी मम्मी की विश पूरी नहीं की तो उसका गुस्सा तो वॉल्केनो की तरह फूटेगा। एग्जैक्टली मिनी, यही तो हम सब चाहते हैं कि उसका गुस्सा सबके सामने आए, विकी का गुस्से में हाथ उठे और यहाँ उसका असली रंग सबके सामने ले आए। मौली विकी गुस्सा करेगा लेकिन सबके सामने तो नहीं करेगा ना, वो उसे अकेले में कैसे पकड़ेंगे? अगर विकी और मिनी अकेले होंगे तो विकी का गुस्सा खुल के बाहर आएगा और उसी वक्त मैं और मौली वहीं छुपे होंगे। जैसे ही वो मिनी पर हाथ उठाएगा हम उसका वीडियो बना लेंगे। What do you think? हाँ बेटा, और विकी रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। राम जी करे ऐसा ही हो। चलो आप सब सो जाते हैं, कल सुबह 4 बजे उठना भी है। सुबह 4 बजे क्यों उठना है? वो अरे बेटा, कल से महाशिवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो पहली पूजा सुबह 4 बजे है। ओके तो चलो सो जा, बहुत रात हो गई है। ओके मैम, गुड नाइट। क्या जाओ सो जाओ, आज तो खाना मिला है ना? खाना मिला है और नींद भी आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? वो कुछ नहीं। एक्चुअली मौली, एक बात कहनी थी तुमसे। बोलो। ऑल द बेस्ट टू अस। गुड नाइट। गुड नाइट। एक बार मिनी का ये इश्यू सॉल्व हो जाए मौली, फिर मैं तुमसे मानस और तुम्हारे रिश्ते पे भी बात करूंगा। पापा कुछ चाहिए आपको? अब वो वहां धतूरे पड़े हैं, जरा ले आना। लीजिए। और आज तो क्या बात है, नन्ने ने भी मनोज को देखकर मुंह नहीं फेरा। शुभ संकेत है, शिवरात्रि मेहंदी वाले घर को शुभ हो। हर हर महादेव। हाय बेटा, मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। वो कैसे करोगे बेटा? ताई जी, मौली है ना, मौली है ना ताई जी, वो मुझे सिखाएगी किस तरह ये सुई धागे से आप फूल की माला बनाते हैं, राइट? अब देखो, इसको ऐसे ले और सिंपल। ओके, ठीक है। राहुल सुनो, नहीं करो। याद है तन्वी, विजू भैया को कितना कहते थे कि पूजा की तैयारी में हमारी मदद करो, पर उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती थी। अभी भी कुछ नहीं बदला जीजी, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा हाँ। पर ये राहुल किस पे गए? वैभव तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता।
मौली, तुमने अपनी चौकड़ी तो जमा ली है, इसका मतलब तुमने सोच लिया है कि कैसे लाना है विक्की का सच सबके सामने। जी जानकी मैम, हमारा प्लान बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है तुम्हारा प्लान हमारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ जानकी मैम, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। सच में विक्की के खिलाफ सबूत मिल गया तो मिनी की शादी तोड़नी पड़ेगी। अपनी पोती को ऐसी आंख मूंद के कुएं में तो नहीं धकेल सकते ना, पर एक और शादी टूटने के धक्के से ये परिवार कहीं ढह ना जाए। भाई मैं लेकर टेरेस पे जाता हूं, प्लान का फेज वन स्टार्ट। ऑल द बेस्ट प्रोजी। मौली जी, ये सिंदूर लगा लो। इस सिंदूर की यहां पर बहुत मान्यता है, ये इच्छा पूर्ति सिंदूर है। इसे लगाने के बाद 7 जन्मों तक पति का साथ रहता है। अभी मां प्रसाद में चरणामृत कितना रहेगा एक बार देख लीजिए ना। आ रही हूं। ये सिंदूर लगा लेना। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ मौली, जब तुम्हारी शादी ही मानस से टूट चुकी है तो ये सिंदूर तुम कैसे लगा सकती हो? जाने क्यों ये सच तुम छुपा रही हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। I'm so sorry. It's okay. मैं और देर नहीं कर सकती, मुझे पापा को मानस और अपना सच आज ही बताना होगा। हिम्मत दीजिए राम जी कि मैं ऐसा कर पाऊं। आज तो बहुत हार्ड वर्क हो गया, बस एक आखिरी काम बाकी है। पापा कहाँ चले गए? मानस, मानस प्लीज मेरी बात समझो, थोड़े दिन और रुक जाओ प्लीज। नहीं मम्मी, मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता। मानस, मानस ट्रस्ट मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मानस कि मैं मनोज से बात करूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप क्या ठीक करती हैं। फोन पे मानस था ना? मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मानस को मेरी वजह से कोई झूठ नहीं जीना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन? मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ही पापा को बता दूंगी कि मेरी और मानस की शादी खत्म हो चुकी है। मानस भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएगा और मैं भी। ये तुम क्या बोल रही हो मौली? एक तरफ तुम यहाँ घर परिवार जोड़ने की बात कर रही हो और बिना किसी रिश्ते के, नहीं क्या लगती हो तुम, कौन हो तुम? हाँ कुछ नहीं ना, सब मनोज का एहसान मानती हो कि उसने तुम जैसे अनाथ को अपनाया, पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, राइट? तुम मेरा घर क्यों तोड़ रही हो? मेरा घर ऑलरेडी टूट चुका है मौली, मनोज और मानस ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, अब ये शादी टूटने वाली बात बताकर तुम मनोज और मानस को
हमेशा के लिए दूर मत करो प्लीज। नहीं मम्मा, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। तो पर कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा ना। पर वो कभी आज नहीं है मौली। तुम मनोज को मानस और तुम्हारी बात नहीं बताओगी। आई मीन राइट टाइम के लिए वेट करो ना। कब आएगा मम्मा वो राइट टाइम? जब मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढूंगी तब। क्या मेरे लिए लड़का? हाँ, मनोज मानस को तभी माफ करेंगे जब उन्हें ये लगेगा कि तुम मानस को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल चुकी हो। और ये तभी पॉसिबल होगा ना मौली, जब तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा लड़का आएगा जो मनोज के हिसाब से तुम्हारे लायक होगा, तुम्हें डिजर्व करता होगा, जिसके साथ तुम खुशी खुशी शादी करके सेटल हो पाओगी, राइट? और मानस को मनोज की माफी और आशना को घर में एक्सेप्टेंस दिलाने का यही एक तरीका है। मां पर ये मौली, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम खुद ही सोचो ना, ये हम दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, राइट? आई मीन मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हारा भी घर बस जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू भी कर दिया। मम्मा, आप अपनी फैमिली नहीं टूटने देना चाहती, मैं समझती, पर मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ। जब तक आप नहीं कहेंगी, मैं पापा से नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी उनसे मेरे और मानस के बीच का सच। पर मैं शादी नहीं कर सकती मम्मा। एक बार मैंने किसी और के कहने पे शादी करके देख लिया, इसलिए अब कोई भी रिश्ता मैं तभी बनाऊंगी जब खुद मेरे अंदर से, मेरे दिल से आवाज आएगी। मौली, मौली तुम यहाँ चाची के साथ क्या कर रही हो? नीचे फैमिली ने तुम्हारा सर्च वारंट इश्यू कर दिया है, प्लीज जल्दी नीचे चलो, सब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ चल। गोलू, वो लोग आ गए, टारगेट हमारे सामने है, तो मैं भी रेडी हूं ब्रो। जैसे ये खुजली वाला पानी इस विक्की पे गिरेगा ना, इसकी सारी भड़ास बाहर आ जाएगी, ये गुस्सा, लड़ना, झगड़ना सब स्टार्ट कर देगा। विक्की बेटा, आज शिवरात्रि के मौके पर जबरदस्त पूजा करेंगे, व्यवहार वाली बात तो है। राम राम जी। राम राम। राम राम। राम राम। कैसे हैं आप लोग? जी एकदम ठीक। जानकी जी, आपके चेहरे की चमक दमक देखकर लगता है कि पूरी तैयारी करके बैठी हैं आप। व्यवहार वाली बात तो है। जी सब तैयारी हो गया सुप्रभा जी, सब आपके लिए है और विक्की बाबू के लिए है। अगर ऐसी बात है तो विक्की अपनी खातिरदारी करवाने के लिए तैयार है। तेरी खातिरदारी तो मैं करता हूँ, अब तू देख। आपने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, मेरी बहन को मारता है वो, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। गोलू, I know तुम मिनी के लिए कंसर्न्ड हो, मुझे ये बात समझ में आती है, पर ये खुजली वाले प्लान से विक्की को गुस्सा आता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता, लेकिन उसका गुस्सा जस्टिफाइड होता। हम प्रूव नहीं कर पाते कि वो कितना घटिया और चीप इंसान है। आई प्रॉमिस यू माई ब्रदर, उसका सच बाहर आएगा, सबके सामने आएगा। डोंट वरी, हम अपनी बहन के साथ कुछ रॉन्ग नहीं होने देंगे। शिव को समझना है तो शक्ति को समझना जरूरी है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है, शक्ति के बिना
तो खुद महादेव जी भी अधूरे हैं, तो फिर आदमी की क्या बिसात। शक्ति के योग्य बनना है तो आचरण शिव जैसा होना चाहिए। जिस शक्ति को शिव ने नमन किया, उस शक्ति रूपी स्त्री को कोई प्रताड़ित करे तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मिनी, मिनी क्या हुआ? मिनी विकी, मुझे चक्कर आ रहे, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, शायद इसलिए वीकनेस। अरे यार, तुम तो बड़ी कमजोर पीस हो, लड़कियों को व्रत रखने की आदत होनी चाहिए। सो ट्रू, लड़कियों को भूख लगती ही क्यों है? मिनी आराम से। मैं अंदर जा रही हूँ। मिनी ऐसे पूजा छोड़ के जाते नहीं है। विकी, पूजा तो खत्म हो गई है ना, और बस जल अर्पण करना ही बाकी रह गया है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं ऊपर रूम में जाकर लेट जाती। वॉशरूम हो गया था। ठीक है, जा। कुछ तो मिली भगत लग रही है इन सबकी, कहीं कुछ उल्टा सीधा करके मेरी इज्जत का कबाड़ा ना कर दे। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का ये बेस्ट मौका है। ज्योति, तुमने पता किया मौली क्या करने वाली है? अरे तो पता करो ना। जानकी माँ ने भी पता नहीं क्या सोच के मौली को बोल दिया सबूत इकट्ठा करने के लिए। पता नहीं क्या करेगी वो लड़की। किसी भी तरह विकी का सच अगर बाहर आ जाए तो अच्छा ही है ना। अगर गुस्सा करता हो या फिर हमारी बेटी पे हाथ, चाहे हो जाए तो लेके बाहर आ जाना सुप्रभा जी के लिए। सुप्रभा जी वेट कर रही है। विकी बाहर आने वाला होगा, कोई याद है ना क्या बोलना है? हाँ, सब याद है, बिना डरे बिना झिझके सब बोल दूंगी। स्वरा ताई जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मौली? क्या गड़बड़ हो गई? पता तो करूं, मम्मी को बताऊंगा, इनकी खाट खड़ी कर देंगे। वो मिनी, मिनी ने अपना व्रत तोड़ दिया। क्या, कब और तुझे कैसे पता चला? मैं उसके रूम में गई, रूम में देखा उसके टेबल पर लड्डू का पैकेट पड़ा है, जिसमें से 4-5 लड्डू गायब थे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मिनी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने लड्डू खा लिया? मुझे तो यही लगता है। और ज्योति चाची भी कह रही थी ना कि खाली पेट रहने से मिनी को एसिडिटी हो जाती, इसलिए उसने लड्डू खा लिए होंगे। गलत किया मिनी ने, बहुत गलत किया। लेकिन मौली, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर में विकी बाबू और सुप्रभा जी आए हुए हैं, उन तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम एक काम करो, मिनी के कमरे से ना लड्डू का डब्बा फटाफट हटा दो, ठीक है? हाँ। हा? हेलो राहुल, विकी मिनी के रूम की तरफ गए हैं, तुम रेडी रहना, ठीक है?
विक्की, आप यहाँ? बैठो। माँ ने कहा था ना कि 9 दिन कुछ भी नहीं खाना, फिर तुमने लड्डू क्यों खाए? जो लड़की मेरी माँ की बात नहीं मान सकती, वो मेरी बात क्या मानेगी? कैसे मान लूं कि तुम मेरी बात मानोगी? क्यों खाए बताओ? माँ, विक्की बेटा जल्दी बाहर आओ। राम जी महाराज। अरे अरे बहन जी, क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? अरे हमारी तो हड्डी का चूरा हो गया भाई साहब, आपके इस कारपेट से फिसल कर गिर गए। अरे राम जी महाराज, उठा बहन जी को। हाँ, बेटा उठा। जी बाबा। ना समझी जी ना, हम इज्जतदार लोग अपना भार लड़की वालों के ऊपर थोड़ी ना डालेंगे। अरे व्यवहार वाली बात तो है। अरे माँ, कैसे गिर गए? मैं क्या हुआ? अरे अब तुमको भी फिर से बताएं कि कैसे गिर गए, किस कारपेट से फिसल कर गिर गए हम। अरे हमारी तो हड्डी का चूरा हो गया, टूट गई हमारी हड्डी। आंटी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दिखाइए। अरे ना ना प्रवक्ता बहू, बस बस नहीं चाहिए। विक्की बेटा चलो हमको घर लेके चलो। अरे हमारे डॉक्टर साहब है ना त्रिवेणी जी, उनको हमारी हर बर्ज का पता है, उनको दिखाएंगे हम। हाँ? हाँ, चलो उठाओ बेटा आराम से। कौन से पाप की सजा दे रहे हो? पूरी जोर जोर जिंदगी दे। आराम से बहन जी, धीरे धीरे धीरे। विक्की मिनी पे हाथ उठाने ही वाला था जानकी माँ कि तभी एग्जैक्ट उसी समय आंटी को चोट लगी और सारा प्लान फेल हो गया। प्लान फेल हुआ है पर हमारा मोटिव तो पूरा हुआ है। हम क्या चाहते थे? ये प्रूफ करना कि विक्की एक अब्यूजिव इंसान है, कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिनी पे हाथ उठा सकता है। वीडियो पे ये सब कुछ कैप्चर हो चुका है। चाचू देखिए, देखिए विक्की हाथ उठाने ही वाला था। दादी ब्रो, हाथ उठाने वाला था और हाथ उठाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हो सकता है पूछ रहा हो कि तुम ठीक हो मिनी? जानकी माँ आप बताइए, क्या आपको दिख रहा है कि विक्की ने मिनी पे हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा? नहीं। बस बात खत्म। जानकी माँ ने फैसला सुना दिया, कोई कमी नहीं है विक्की में। मिनी, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। इज्जतदार लोग हैं, बहुत सम्मान के साथ रखेंगे तुझे अपने घर। चाचा जी एक बार कोशिश तो। मिनी बेटा, तेरा बाप तेरे से भीख मांग रहा है ना, खुशी खुशी शादी कर ले, अब विदा हो जा अपने ससुराल। तेरे बाप से ज्यादा तेरा भला और कोई नहीं चाहता। माँ ये डॉक्टर तो कॉल ही नहीं उठा रहा है। इसकी जरूरत भी नहीं है, देखो कुछ नहीं हुआ है हमको। ताजे गुल मोहर की तरह एक
एकदम चकाचक हैं, सारे नट बोल्ट एकदम दुरुस्त। तो आप ठीक हो तो वहाँ पर आपने ये सब नाटक क्यों किया? अरे करना पड़ा हमको, जिससे कि तुम्हारा सच थप से बाहर ना आ जाए। मेरा सच? उनकी वो प्रवक्ता बहू मौली ने तुम्हें फंसाने की जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। ज्योति तुमने पता किया मौली क्या करने वाली है? किसी भी तरह विकी का सच अगर बाहर आ जाए तो अच्छा ही है। हाय राम, मौली ने विक्की को फंसाने की प्लानिंग की है। नहीं नहीं, विक्की को अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। माँ, अब मैं मिनी से शादी करके रहूंगा। वो होती कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाली? मैं लड़का हूं, मैं उसे मारू पीटू गुस्सा करूं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी है। ये ले पानी पियो और दिमाग ठंडा कर। नहीं पीना। अरे अपना दिमाग ठंडा रख, तेरे इसी गुस्से के चलते तेरा ये दूसरा रिश्ता भी ना टूट जाएगा। कुछ दिनों के लिए अपना ये गुस्सा नगर निगम की कचरा गाड़ी में पिकवा दे, समझे? एक बार ये शादी हो जाए और मिनी इस घर में आ जाए, फिर जो चाहे मर्जी सो करना। लेकिन तब तक इस मौली राहुल की जोड़ी से बच कर रहना बेटा। 20 दिन बचे माँ, सिर्फ 20 दिन बचे मेरी शादी में। अगर ये मौली और राहुल ने फिर से कुछ किया ना, तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आपकी कसम खा के कह रहा हूं, फिर मेरी जबान के साथ साथ मेरे हाथ पैर भी चलेंगे, देख लेना आप। विक्की की असलियत तो जाहिर है, पर अफसोस कि आज मिनी का परिवार ये सच सामने लाने से चूक गया। मिनी के ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। जानकी माँ ने अक्षय को हाथों कहा, पर मिनी के लिए वो भी चिंतित है। मिनी की उम्मीद बस राहुल का दिया वचन है। सुप्रभा जी की चतुराई के आगे राहुल का वचन हार गया तो मिनी और परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राम जी भली करना। राम जी, रास्ता बनाने वाले आप ही हैं। हमारी पोती को भी उसी रास्ते पे चलाना जो उसके लिए श्रेष्ठ हो, जिसमें उसकी भलाई हो। सुप्रभा जी का फोन? ये राम जी। हेलो, राम राम सुप्रभा जी। जानकी जी, किसी जरूरी कारण की वजह से हमें विक्की और मिनी की शादी जल्दी ही करनी होगी, अगले 4 दिनों में। अच्छा अभी हम फोन रखते हैं, बहुत काम है हमें। जानकी, पूरा परिवार आ गया है, बोलो क्या कहना चाहती हो? सुप्रभा जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि उनकी सास यानी कि विक्की की दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो कभी भी सुधार सकती हैं। सुप्रभा जी ये चाहती हैं कि मिनी और विक्की की शादी 4 दिन में हो जाए। चार दिन में? इतनी जल्दी मिनी की शादी कैसे करेंगे जानकी माँ? उन्होंने जो कहा हम बस वो बता रहे हैं। मुझे तो ये सुप्रभा आंटी की प्लानिंग लग रही है। अचानक से चोट लग गई और मुझे देखने भी नहीं दिया, और अब कह रही है कि उनकी सास बीमार है, 4 दिन में शादी करा दो। आप सबको ऐसा नहीं लगता कि उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? हम विक्की का अब्यूजिव नेचर सबके सामने लाना चाहते हैं। 100% यही बात है। अरे कितनी बातों की जलेबी बनाते हो तुम दोनों। मैं अपनी बेटी का हित जानता हूँ, मुझे तुम लोगों की न राय चाहिए न मदद। अकू, हम क्या मिनी के दुश्मन हैं जो उसका घर तोड़ेंगे? जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ पापा, अगर मिनी दीदी को विक्की पसंद नहीं है तो आप क्यों करवा रहे हैं शादी? बाप को ज्ञान देगा तू? तुम्हारी उम्र में सारा घर संभाल लिया था मैंने, जब परिवार को जरूरत पड़ी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के कमाना शुरू कर दिया था मैंने। सब तो चले गए थे, परिवार की इज्जत शिप्रा नदी में बहा के मैंने अकेले डूबने से बचाया है। अब फिर से परिवार की इज्जत के साथ
मैं किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। जानकी माँ, मैं इन लोगों को मनीषा दीदी की कहानी मिनी के साथ नहीं दोहराने दूंगा। एक बार पहले भी किसी की गलती से एक बेटी घर में रह गई, अब फिर किसी और की गलती से कहीं मेरी मिनी भी, मिनी विकी से शादी करके अपने ससुराल जाएगी और इसी में सबकी भलाई है। अगर मौली बीच में मिनी का रास्ता रोके खड़ी है और इसीलिए अगले 4 दिनों तक मौली मिनी की शादी का एक भी फंक्शन अटेंड नहीं करेगी, अगले 4 दिनों तक मौली मेरी बेटी के आस पास भी नहीं भटकेगी। अक्कू, ये क्या कह रहे हो? अक्कू सही कह रहा है, हमें अक्कू की मर्जी का मान रखना पड़ेगा। आप सबका तो पता नहीं, पर हम अपने बेटे का दर्द समझते हैं। मौली अब कोई रुकावट ना लाए, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है मनोज। ठीक है जानकी माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि शादी की किसी भी रस्म में मौली शामिल नहीं होगी। दादी ब्रो, सभा समाप्त। राम जी, दिस नॉट डन। ये कैसी फैमिली है? मौली मिनी की राइट के लिए फाइट कर रही है और सब उसे ही पनिश कर रहे हैं। आप तो सबसे बड़े जज हो, आपको तो सब कुछ दिखता है। आप प्लीज हेल्प कीजिए ना मौली की। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आप करो या ना करो, मैं मौली की हेल्प करूंगा, मैं मौली का प्रॉमिस पूरा करूंगा। जब तक मैं यहां हूं, मिनी की शादी विकी से नहीं होने दूंगा। जी जी, आप सुबह से काम में लगी थी, आप सो जाइए, मैं हूं गुड्डी के पास। कैसे सुने तन्वी, आज जो घर में तमाशा हुआ है उसने दिमाग को चक्कर घेनी बना दिया है। देखिए ना, कल तक अक्षय भैया नहीं समझ रहे थे, आज जानकी माँ नहीं समझ रही है, अब हम क्या करें, कैसे बचा पाएंगे? आप दोनों को क्या लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ विकी में है? नहीं, प्रॉब्लम तो मिनी में भी है ना। अगर मिनी विकी से शादी नहीं करना चाहती तो डायरेक्टली मना करते, पूरी फैमिली उसके लिए स्टैंड ले रही है, पर वो खुद के लिए तो स्टैंड ले। सॉरी, आई रिमेम्बर, जो खुद के लिए इस घर में स्टैंड लेता है वो गलत हो जाता है, करेक्ट? बेचारी मिनी, अब तो मौली भी नहीं उसे बचाने के लिए, अब उसे ये शादी वाली बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मॉम, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मौली ने इस फैमिली की कितनी हेल्प की है। अगर एंगेजमेंट वाले दिन वो मामला संभालती नहीं, शादी तो उसी दिन टूट जाती, उसे ही शादी से आउट कर दिया। आप लोगों को स्टैंड तो लेना चाहिए था उसके लिए। बेटा, शादी अक्षय भैया की बेटी की है, अगर वो ही नहीं चाहते कि मौली शादी के फंक्शन में शामिल हो तो हम कर भी क्या सकते हैं? राहुल बेटा, अब वैसे भी जानकी माँ ने अक्कू की बात पे मोहर लगा दी है, हम कुछ नहीं कर सकते। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ताई जी, पर सैडली आप लोग करना नहीं चाहते। एंड मॉम, आप मुझे लंदन से यहाँ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली देखूं, उसके वैल्यूज सीखूं, पर यहाँ सब कुछ देखने के बाद मॉम, मुझे हमारी न्यूक्लियर वाली फैमिली सिचुएशन ज्यादा बेटर लग रही है। मॉम, कम से कम हम यूनाइटेड तो थे वहां पर,
बिग हैप्पी फैमिली का ड्रामा और नाटक तो नहीं करते. Okay. आप लोगों को कुछ नहीं करना तो आप मत कीजिए. अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा. राहुल, विजू, तू ऐसी परेशानी में टहल रहा है. मिनी की चिंता में नींद नहीं आ रही ना? कब से यही सोच रहा हूं कि विकी के खिलाफ हमें प्रूफ कहां से मिल सकता है. पहले चाय पी लीजिए, फिर दिमाग खुल जाएगा. वाह, डेढ़ इलायची, एक लौंग और ये डेढ़ चम्मच चीनी वाली चाय. अभी तक नहीं भूला ना मनु तू? नहीं भूलाता था ना मैं ना अक्कू. अक्कू मतलब? हाँ दादा, अक्कू के पुराने घाव इतने गहरे हैं कि 24 लंबे साल भी उसे भर नहीं पाए. मिनी की खुशी से ज्यादा उसे इस बात की चिंता हो रही है कि 24 साल पहले जो हुआ वो फिर ना हो जाए. कभी कभी हमारे जख्मों का दर्द बच्चों को विरासत में मिलता है, उन्हें झेलना पड़ता है. बेचारी मिनी के साथ भी यही हो रहा है. मिनी, मिनी, मिनी क्या? भैया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी नहीं हो रही, जेल जा रही. मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा. पर आप करोगे क्या? 4 दिन में तो मेरी शादी है. मिनी, कुछ तो होगा यहाँ, कुछ ऐसा जो विक्की के बारे में बता पाए. कंग्रेचुलेशंस अगेन, इस बार कोई लड़ाई झगड़ा मत करना. फिर से कंग्रेचुलेशंस. मौली, क्या हुआ बेटा? चाची, इससे पहले विकी का कोई रिश्ता होने वाला था क्या, जो जो टूट गया? क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया हमें. ये देखे, किसी ने मिनी के साथ रिश्ता फिक्स होने पे लिखा है फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिर से क्यों कहा? पता नहीं. कोई बात नहीं, मैं इस आदमी को मैसेज डाल देती हूँ, वो कॉल करेगा ना तो सब पता चल जाएगा. डाल दिया. इनकी इतने सुनाने के बावजूद तुम मेरी बेटी की मदद कर रही हो. गलत रिश्ते में बनने का दर्द मैं जानती हूँ चाची. जो मेरे साथ हुआ मिनी के साथ नहीं होने दूंगी. विक्की से शादी करने से बड़ा रिस्क और कोई नहीं हो सकता. मिनी, मैं तुम्हारे साथ गलत होने नहीं दूंगा और मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो सब करूंगा. प्रॉमिस. ज्योति, पूजा की सामग्री रख ली है ना? जी, सब रख ली. और ये भेलपत्र गीले होने चाहिए. जी. धतूरा जो है ना उसको अलग से रखना. जानकी माँ, बेलपत्र बिल्कुल ताजे हैं और धतूरे अलग से लेकर आया हूं. माफी मिल जाए इसलिए कर रहा है सब कुछ. आज भी अपना स्वार्थ ही देख रहा है. नन्हे, चले मंदिर. अरे तीसरी पीढ़ी बची है, उन्हें तो आ जाने दो. वो भी आगे बढ़े दादू. आ जाओ आ जाओ.
ये क्या? आपने तो जिम्मेदारी ली थी ना कि मिनी के किसी भी शादी की रस्म में मौली शामिल नहीं होगी। चाचा जी, पर हम तो पूजा के लिए जा रहे हैं ना। जब तुमसे सवाल नहीं किया तो तुम जवाब भी मत दो ना मौली। मौली ने क्या गलत बोल दिया अक्कू? और फिर किसी को पूजा से वंचित रखने वाले तुम कोई नहीं होते। माँ, हम मंदिर मिनी के साथ जा रहे हैं, वहां उसके ससुराल वाले भी होंगे और सबको पता है कि मौली के क्या इरादे हैं। आज या तो पूजा में मौली शामिल होगी या हमारा परिवार। अक्कू सही कह रहा है। अक्कू जो बोल रहा है उसे मान लो। मौली यहां घर पर रहेगी। अकेली लड़की को घर पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए मनीषा उसके साथ रहेगी। ठीक है माँ। पर जानकी, सभा समाप्त। भाभी, ये मेरा सामान मेरे रूम में रख देना। क्या करूं मैं? मिनी की शादी कैसे रोकूं? भूख लगे तो खा लेना। वो अजीब, मुझे भी वो बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, आप मुझे अंदर क्यों बंद कर रही हैं? मजबूरी में। बहुओं को कमरे में बंद करना आज तक इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर बहुएं बेटियों की शादी तोड़वाने लगे तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। बुआ जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। बुआ जी, बुआ जी, आइए आइए आइए। कब से आप लोगों के इंतजार में घड़ियां ताक रहे हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। माफ कीजिए सुप्रभा जी, आने में थोड़ी देर हो गई। आप तो जानती हैं आज महाशिवरात्रि है, रास्ता जाम था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाय विक्की, हमें पता नहीं था कि तुम पूजा में इतने इन्वॉल्व रहते हो। यू ग्रेट मैन। क्या बात है अंकल जी, पूरा परिवार आया है लेकिन वो मुंबई वाली मौली भाभी नहीं दिख रही। वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो घर पे ही आराम कर रही है। ओहो, तब तो आज मीनी और विक्की की हल्दी में सम्मिलित नहीं हो पाएगी वो। हल्दी आज? देखिए ना कितना शुभ दिन है आज, तो हमने सोचा कि यही मंदिर में लगे हाथ विक्की और मीनी की हल्दी भी कर देते हैं और शाम तक मेहंदी का प्रोग्राम भी हो जाएगा और कल फिर शादी। सुप्रभा जी, हम तो सिर्फ पूजा का सोच कर आए थे, हल्दी की तो कोई तैयारी नहीं की हमने। अरे जानकी जी घबराइए मत, विक्की के पापा ने सब तैयारियां कर रखी है। भाई नामी घराना है हमारा, एक चुटकी में सारे काम हो गए हैं। अब देखिए ना, अगर विक्की की दादी मृत्यु शैया पे नहीं होती तो हम इतनी जल्दबाजी थोड़ी ना दिखाते हैं। व्यवहार वाली बात तो है। आइए ना, आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। विक्की का दोस्त, कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप विक्की के बारे में बताएंगे, प्लीज जल्दी कॉल कीजिएगा। खोलू का मैसेज? भाभी ये लोग आज ही मंदिर में हल्दी करने वाले और शाम में मेहंदी।
हेलो, विक्की के गुस्से की वजह से उसका एक रिश्ता पहले भी टूटा था। What? विक्की के एंगर इश्यूज के चलते उसका एक रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। पर ये हुआ कब? मतलब कितने टाइम पहले? अच्छा, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे। अरे शैतान है वो आदमी, जैसे तैसे अपनी बहन की जान बचाई है उससे। जान गया कि हमने उसकी असलियत आपको बता दी है तो फिर से शनि बन के खड़ा हो जाएगा हमारी जिंदगी में। प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। माफ करिए सिस्टर, दोबारा फोन मत करिएगा प्लीज। मेरी मतलब विक्की ने ये बात पूरी फैमिली से छुपाई, पर मैं ये सच सबको बता के रहूंगी। तो कहीं जाना मत बाहर, ठीक है? फोन कहाँ गया? नो वे राहुल, तू इस वक्त फोन खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। सारी डिटेल्स फोन में थी, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कम ऑन राहुल, नो। मैं कहाँ गया था? आई थिंक मंदिर की सीढ़ियों से फिर गया था मैं। चाचू का फोन खो गया। हाँ फोन करना है बेटा, ये तुम्हारा फोन है, जाके इससे खेल। जाओ। राहुल। यस मॉम। फोन तो मैं मिनी के रूम में छोड़ के आया, यहां से निकलूंगा कैसे? भैया। हाँ मिनी, मेरी हल्दी होने वाली है, प्लीज कुछ करिए ना। चलो यहां से चलो। क्यों शोर कर रही हो तुम? बुआ जी प्लीज मेरी बात सुनिए, विक्की की शादी ऑलरेडी फिक्स थी कहीं, जो उसके गुस्से और मारपीट के नेचर की वजह से टूट गई थी। बुआ जी ये बात हमें तुरंत मंदिर में जाके बतानी होगी, वरना वो लोग आज ही मिनी की हल्दी करने वाले हैं। हल्दी? हाँ बुआ जी, मेरे पास गोलू का मैसेज आया था कि वो लोग आज ही मिनी की हल्दी करने वाले हैं। बुआ जी मेरी अभी विक्की के कलीग से बात हुई है, उसी की बहन के साथ शादी फिक्स हुई थी। प्लीज बुआ जी मुझ पर भरोसा कीजिए, मिनी की लाइफ का सवाल है बुआ जी। सब बहाने हैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकलने के लिए। बुआ जी मेरी 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 बात तो सुनिए। बुआ जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। राहुल को कॉल करती हूँ, वो हेल्प कर सकते हैं। राहुल प्लीज फोन तो उठाओ। गोलू को कॉल करती हूँ। हे भगवान, ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था, सारी प्रॉब्लम एक ही साथ आनी थी। क्या करूं मैं? प्लान ऑन है, ध्यान से सुनना मेरी। तुम अभी यहाँ से जाओगी इंदौर, और इंदौर एयरपोर्ट से तुम्हें फ्लाइट लेनी है बैंगलोर के लिए। ओके? मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली, आधे घंटे के अंदर तुम्हारी टिकट्स कंफर्म हो जाएगी। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मेरे दोस्त से बात कर ली है, उसकी खुद की कंपनी है, वो तुम्हें जॉब दे रहा है, उसे तुम्हारा सीवी बहुत अच्छा लगा। डोंट वरी मिनी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में था, एयरपोर्ट पर पिकअप करने आएगा और तुम्हारा स्टे का भी देख लेगा। मिनी तुम बैंगलोर निकलने की तैयारी करो, मौली भी नहीं है हमें यहाँ रोकने के लिए। बुआ जी प्लीज दरवाजा।
दरवाजा खोले या यहाँ आग लग गई है बुआ जी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ बुआ जी, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल बुआ जी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, बुआ जी प्लीज दरवाजा खोले बुआ जी ट्रैवल एजेंट, इतने सारे मिस्ड कॉल, ये फोन है किसका? राहुल सर कहाँ व्यस्त हैं? कब से फोन मिला रहे हैं? बताना था कि मिनी अग्रवाल के नाम से टिकट बुक हो गई है, शाम की फ्लाइट है, टाइम से इंदौर एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा, टिकट भेज रहे हैं आपको। हेलो, ये तो इंदौर टू बैंगलोर की फ्लाइट टिकट है और इसमें पैसेंजर का नाम मिनी है, मतलब मिनी बैंगलोर जा रही है, इसका मतलब राहुल मिनी को घर से बैंगलोर भगा रहा है। दिस इज सो रॉन्ग, ऐसे ऐसे घर से छुप के भागना गलत है और मैं मिनी को ये गलत काम कभी नहीं करने दूंगी। बुआ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। भैया मुझे ऐसे घर से भागकर जाना सही नहीं लग रहा है, ये छोटा शहर है, यहाँ पर बात फैलते देर नहीं लगती है, पापा की और घर वालों की बहुत बदनामी होगी। नहीं क्या करोगी, विक्की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? नहीं भैया, कुछ कुछ और तरीका नहीं है शादी से बचने का? हाँ प्लीज, नहीं प्लीज बात समझने की कोशिश करो, मनोज चाचू भी अपनी लव मैरिज के लिए घर से भाग गए थे पर आज वो वापस आ गए हैं, घर में हैं, फैमिली के साथ हैं और सब कुछ ऐसे ही सही चलता रहा तो दादी ब्रो उन्हें माफ भी कर देंगी, पर एटलीस्ट उन्होंने अपनी जिंदगी खुशी से जी। तुम भी चली जाओ बैंगलोर, जाओ मेरे दोस्त के पास, मिनी वापस आके इनसे माफी मांग लेना यार, यही एक ऑप्शन है मिनी, यू डिसाइड मिनी, अपने लिए जीना है या दूसरों का सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है? आधा घंटा है तुम्हारे पास, अपना डिसीजन मुझे बता देना। बुआ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। मौली कैसे? मैंने ही लगाई बुआ जी, क्यों? आपके जैसे मैं भी मजबूर थी बुआ जी, सब ट्राई करके देख लिया, यही एक लास्ट ऑप्शन बचा था, मैं मिनी की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती बुआ जी। मौली तुम बात को समझ नहीं रही हो, मेरी वाली कहानी अक्कू मिनी के साथ नहीं दोहराना चाहता, आप दोनों की कहानी अलग है बुआ जी। आई नो आपकी शादी नहीं हो पाई, बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर मिनी की शादी विक्की से हो गई ना तो उसके साथ भी बहुत गलत होगा बुआ जी। और बुआ जी विक्की के बारे में मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना उसका प्रूफ है मेरे पास। प्लीज बुआ जी, मिनी की लाइफ का सवाल है, प्लीज मुझे जाने दीजिए बुआ जी। जानकी माँ ने मना किया था, कैसे जाने दो इसे? सिर्फ एक बार बुआ जी, एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए बुआ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए ना, प्लीज बुआ जी मुझे जाने दीजिए। ठीक है, भरोसा करके जाने दे रही हूँ। थैंक यू सो मच बुआ जी। अब जा। क्यों?
I'm sorry, Vicky. मुझसे गलती से तेल चला गया। मिनी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दामाद जी का पैर जला दिया। विकी, विकी बेटा ज़्यादा जल गया क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मिनी तुम ठीक हो? और अंकल जी आप मिनी को कुछ मत बोलिए। उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। प्लीज विकी, मेरे पास एंटीबर्न क्रीम है, मैं गाड़ी से लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अंकल, आपको पूजा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मिनी है ना, मिनी तुम मेरे साथ चलो, क्रीम लगा दो। पता चला कि हल्दी की वीडियोस में लंगड़ाता हुआ नजर आएगा तुम्हारा होने वाला पति। जाओ बेटा, संभाल के जाओ। हैं, जाओ मिनी, जाओ बेटा, आराम से, आराम से जाओ। हाय तोपा। हाय। मुझे हाय और मिनी को बाय कराने का इरादा है। बात हुई मेरी तुम्हारे ट्रैवल एजेंट से। कौन सा भाई अपनी बहन को भगाने में हेल्प करता है राहुल? वही भाई मौली जो उसकी बहन की लाइफ की चिंता करता है, जो उसके फ्यूचर की चिंता करता है। मैं मिनी की शादी विकी से नहीं होने दे सकता। भागना कोई सलूशन नहीं है। देखो मिस हाय तोपा, लेक्चर मत दो, जो डिसाइड किया है हम वही करेंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि डरपोक तुम हो। What? मैं डरपोक? हाँ, जो सिचुएशन से भागता हो, उसे फेस नहीं करता हो, वो डरपोक ही है। ओ हेलो, तुमने किया ना सिचुएशन को फिक्स? क्या हुआ? अक्षय चाचू ने तुम्हें साइड में कर दिया, और मैं कम से कम मिनी के लिए स्टैंड तो ले रहा हूँ। बाकी सबकी तरह उसकी गलतियां तो नहीं निकाल रहा ना। आई एम सॉरी राहुल, तुम्हारा इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तरीका बहुत गलत है, और मैं मिनी को कोई भी गलत स्टेप लेने नहीं दूंगी। मौली, मनोज चाचू भी तो घर छोड़कर गए थे ना, आज उनके पास सब कुछ है, पैसा है, फैमिली है, रिस्पेक्ट है। और वो दर्द भी है, जिसके खुद डॉक्टर होते हुए भी उनके पास कोई दवाई नहीं है राहुल। वो अफसोस भी है, जिसकी दुनिया भर के ऐशो आराम भी भरपाई नहीं कर सकती। अपनों से बिछड़ने का दर्द, अपनों का दिल दुखाने का अफसोस। तुम चाहते हो कि मिनी को भी जिंदगी भर यही दर्द, यही अफसोस रहे? मौली, मैं बस चाहता हूँ कि मिनी खुश रहे, उसके साथ कुछ गलत ना। इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी लो मिनी, दवाई लगा दो। क्या हुआ? आओ ना, दवाई लगा दो प्लीज। मैं मेरे बाल छोड़ो विकी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। पहला प्लान तो तुम्हारा चौपट हो गया मुझे गुस्सा दिलाने का, और फिर तुमने गरम तेल गिराने की कोशिश की ताकि मैं सबके सामने तुम पर भड़क जाऊं, और वो तुम्हारे लंदन और बॉम्बे वाले या भाभी ये रिश्ता तोड़वा दे। तुम टूट जाओगी, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटेगा। देख लिया आप लोगों ने विकी का व्यवहार? फालतू में मौली इतने अच्छे भले इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अगर मेरे ऊपर भी गरम तेल गिरता तो मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन विकी तो एकदम शांत था। हम लोग कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हैं। अब तो खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करोगी? ना हाथ छोड़ूंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। क्या कर लोगी?
कुछ विक्की, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम मैं बाहर जाकर सबको दिखाती हूँ कि किस राक्षस से मेरी शादी करा रहे। रुको मिनी, प्लान ऑन है, ध्यान से सुनना मिनी। तुम अभी यहाँ से जाओगी इंदौर, और इंदौर एयरपोर्ट से तुम्हें फ्लाइट लेनी है बैंगलोर के लिए। मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली, आधे घंटे के अंदर तुम्हारी टिकट्स कंफर्म हो जाएगी। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मेरे दोस्त से बात कर ली है, उसकी खुद की कंपनी है, वो तुम्हें जॉब दे रहा है, उसे तुम्हारा सीवी बहुत अच्छा लगा। डोंट वरी मिनी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में था, एयरपोर्ट पर पिकअप करने आएगा और तुम्हारा स्टे का भी देख लेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम इसी वक्त बैंगलोर जाने की तैयारियां करो। जाओ ना मिनी, रुक क्यों गई, जाओ। अगर एक शब्द भी तुमने मेरे बारे में किसी को भी बोला ना, तो मैं पूरे उज्जैन शहर में यह हल्ला मचा दूंगा कि तुम्हारा चक्कर वो लंदन वाले भाई के दोस्त के साथ चल रहा है, उसके साथ मुंह काला कर चुकी हो और अपने भाई की मदद से उसी के पास बैंगलोर ठुर रोने की तैयारी में हो, और फिर जब तुम्हारे घर वालों की इज्जत की अर्थी उठेगी तो तुम बैंगलोर से यहां पर आओगी या फिर वीडियो कॉल पर ही माता मनाओगी। बोलो मिनी, क्या हुआ? नहीं विकी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल करूंगा। जो हाल तुम्हारे परिवार का सालों पहले हुआ था, उससे भी बुरा हाल होगा मिनी। और जिस घाव को भरने के लिए तुम्हारे बाप ने सालों लगा दिए थे, आज उससे भी गहरा घाव देने जा रही हो तुम उस बाप को। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे पापा जी इस चक्कर में सुसाइड ना कर ले। नहीं विकी, ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुमसे ही शादी करूंगी विकी, लेकिन प्लीज ये वीडियो डिलीट कर, प्लीज। क्या कहा तुमने, एक बार फिर से बोलना, बोलो। मैं तुमसे शादी करूंगी विकी। बस यही तो सुनना था मेरी जान। अब ये अपना मुंह धो लो और ये बाल बाल सब ठीक कर लो, और ये जो ये खरोच के निशान है ना, ये मेकअप से छुपा लेना, आखिर मेकअप कब काम आएगा ना। और सबके सामने बाहर एक प्यारी सी स्माइल लेकर चलना, समझ में आया? विकी, अब पैर ठीक है ना आपका? जी बिल्कुल। गुड, अभी तो आपको अपनी बारात में नाचना भी है। बिल्कुल, आप और मैं साथ में नाचेंगे, क्यों ही नहीं। आइए अंदर आइए। पापा, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। आइए जी। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर जानकी माँ या पापा में से किसी ने आपको यहाँ देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाभी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी, मुझे विकी का सच पता चल गया। And you know what? तुमसे पहले विकी की शादी किसी दूसरे जगह फिक्स थी, लेकिन उसके एंगर इश्यूज के चलते वो रिश्ता भी टूट गया था। उस लड़की के साथ भी हाथापाई करता था, और मैं ये बात सबको बता दूंगी। एक शब्द भी तुमने मेरे बारे में किसी को भी बोला ना, तो मैं पूरे उज्जैन शहर में यह हल्ला मचा दूंगा कि तुम्हारा चक्कर वो लंदन वाले भाई के दोस्त के साथ चल रहा है। नहीं भाभी, विकी मुझे ऑलरेडी सब बता चुका है। क्या तुम्हें पता था? हाँ भाभी, सिर्फ एक रिश्ता टूट जाने से कोई बुरा इंसान थोड़ी ना हो जाता है। इट्स ओके मिनी,
ये तुम बोल रही हो? तुमने ही कहा था विक्की सही लड़का नहीं है। हाँ, कहा था भाभी, क्योंकि मैं विक्की को समझ नहीं पाई भाभी। आज ही गलती से मेरे हाथ से उसके ऊपर गरम गरम तेल गिर गया था, तो उसने मुझे डांटा नहीं बल्कि उसने मुझे पापा की डांट से बचाया। मेरी गलती है भाभी, आई एम सॉरी, और मैं सिर्फ विक्की से ही शादी करूंगी। मिनी, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैंने कहा ना, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अगर पापा ने आपको यहाँ देखा तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। आप प्लीज जाइए भाभी। मिनी, प्लीज जाइए यहाँ से भाभी, कोई देख लेगा। कोई भी देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता मिनी। अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ठीक है क्या? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। ठीक है तब अंदर चलते हैं। चलो। मिनी, ये सब वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो पैर फिसल गया और मैं गिर गई। सच बोल रही हो तुम? ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मिनी, मैं एक डॉक्टर हूँ। सीढ़ी से गिरने से लगी चोट और नाखून के खरोच का डिफरेंस बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। इसलिए प्लीज मिनी, जो हुआ है मुझे सच सच बताओ। क्या करेंगे आप सच जानकर भाभी? जो होना था वो तो हो ही गया ना। अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। मुझे पता है ये चोट तुम्हें विक्की नहीं दी, पर मिनी तुम ये छुपा क्यों रही हो? कल तक तो भाभी मिनी कहाँ रह गई मेरी बच्ची? आप सेम टॉपिक बार बार क्यों निकाल रही हैं? हाय राम, मौली यहाँ कब आई? भाभी, आपने ही कहा था ना कि परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आपकी ही बात मान रही हूं। अगर आप भी मुझसे प्यार करती हैं ना, तो प्लीज यहां से चली जाइए, प्लीज। मिनी बेटा, मम्मी, मैं आपके ही पास आने वाली थी, पूजा के लिए सब वेट कर रहे होंगे ना। चलिए। चलिए मम्मी। वेरी गुड मिनी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस विक्की का साथ दे रही हो। और ये बात भी याद रख कि आज विक्की ने सिर्फ तुम पे और अक्षय चाचू पे हाथ उठाया है। कल को गोलू और चाची जी भी हो सकती है। यही बताने आई थी मैं। मुझे रोहित ने बताया कि उस विक्की ने अक्षय चाचू को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बैंगलोर की फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दो। हाँ, जो भी खर्चा होगा मैं भर दूंगा। यस प्लीज, बात खत्म।
गुड्डी 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 बेटा गुड्डी बेटा यहां क्या कर रही हो? अरे बेटा क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो, डर क्यों रही हो, क्या हुआ गुड्डी? विकी ने पापा पे हाथ उठाया, पर क्यों, क्या किया था उन्होंने? चाची जी, विकी की फितरत है हाथ उठाना, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। अब तक मुझे मारता था तो मैं चुप थी, इनफैक्ट आज ही उसने पंडित जी के रूम में मुझ पर हाथ उठाया तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसने पापा पर हाथ उठाया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस यही सुनना था मुझे मिनी। I'm sorry, तुमसे सच निकलवाने के लिए मैंने झूठ कहा कि विक्की ने अक्षय चाचू पे हाथ उठाया। पर चाची जी, आपने सुना ना, उस विक्की ने मिनी पे फिर से हाथ उठाया। ये देखिए आप, ये देखिए इसके हाथ पे खरोंच के निशान। देर आए दुरुस्त आए, अपनी सूझबूझ से मौली ने मिनी के मुंह से विकी का सच उगलवा लिया, और अब तो राहुल के पास विकी की हैवानियत का सबूत भी है, ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अब उस राक्षस विकी को मौली और राहुल से कोई नहीं बचा सकता। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।